इन मैथड वैलिडेशन नाव वी विल डिस्कस एकोरेसी एक डिग्री ऑफ मेजरमेंट एक्चुअल रिजल्ट से जो वेरिएशन हम महसूस करते हैं या कैलकुलेट करते हैं उसे एकूरेसी कहते हैं एकूरेसी को हमने क्यों मेट्रिक्स में भी डिस्कस किया था प्रसियन से मुराद थी क्लोजनेस ऑफ डाटा टू इच अदर एंड एक से हमारी वहाँ भी मुराद थी कि क्लोजनेस टू एक्चुअल वैल्यू इज़ कॉल्ड एक्रेसी एकूरेसी इज डिग्री ऑफ एग्रीमेंट ऑफ़ द टेस्ट रिजल्ट विद ट्रू वैल्यू ट्रू वैल्यू जो कम्पाउंड या कंपोनेंट हमने प्रिपेयर किए होते हैं अपने स्टैंडर्ड्स उनसे हम वेरीफाई करते हैं कि हमारे एनेटिकल रिजल्ट कितना वेरी कर रहे हैं एकूरेसी इज़ नॉर्मली इस्टेब्लिश ऑन सैम्पल्स ऑफ मटीरियल टू बी एग्जामिन दैट हैड टू कोांतिटेटिव एक क्वान्टिटेटिवली हम एकट सेम्पल्स ख़ुद बनाते हैं लेबॉरेट्री में और फिर उनकी एनालिसिस अपने टेस्ट मेथड के जरिए परफॉर्म करते हैं एक्यूरेसी शुड बी इस्टेबलिश अक्रॉस स्पेसिफाइड रेंज ऑफ एनाटिकल प्रोसीजर रेंज का तस्करा हम इससे पहले कर चुके हैं कि हम लिमिट्स मालूम करते हैं कि हमारा मेथड किस लीस्ट uh, लिमिट से किस मैक्सिमम लिमिट तक या किस रेंज में एक्सेप्टेबल रिजल्ट दे रहा है एक्यूरेसी के लिए जो कंपाउंडस uh, या जो हम प्रिपेयर करेंगे स्टैंडर्ड वो भी उस रेंज के उस रेंज की तमाम वैल्यूज़ को कवर करते हुए स्टैंडर्ड होने चाहिए इट इज़ एक्सेप्टेबल टू यूज़ ए स्पाइक्ड प्लसीबो। स्पाइक्ड सैम्पल ये एक नई टेक्नोलॉजी है पॉसिबली इससे पहले हमने डिस्कस नहीं की कि किसी सैम्पल में जब हम नॉन कंसनट्रेशन ऐड करते हैं तो इसे स्पाइकिंग कहते हैं और प्लसीवो नॉर्मली एक ऐसा सैम्पल के जिसमें कंसनट्रेशन मौजूद ना हो एक्टिव इन्ग्रीडियंट की टर्म को हम एप्लीकेशंस में या ड्रग को एनालाइज करने में या ड्रग की एक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं तो स्पाइक प्लसीबो ऐसे सैम्पल्स जिनमें नोन कंसनट्रेशन कुछ ऐड की जाती है वेयर ए नोन क्वांटिटी और कंसनट्रेशन ऑफ रेफरेंस मटीरियल इज़ यूज तो उन नोन कंसनट्रेशन ही को हम दोबारा एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए अपनेटिकल मैथड के ज़रिए वेरीफाई करते हैं जब एस परफॉर्म करेंगे तो इसमें तीन किस्म की टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होंगी ड्रग सब्सटेंसेस यानी वो एक्टिव इंग्रेडिएंट जिसकी क्वांटिटी आप मालूम करना चाह रहे हैं ड्रग प्रोडक्ट्स यानी रेप्लिकेट ऑफ अवर प्रोडक्ट जिसमें ना सिर्फ एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा बल्कि इनएक्टिव एक्सीपियट्स भी मौजूद होंगे लेकिन हमने ख़ुद लेबॉर्टरी में उनको प्रिपेयर किया होगा ये रनिंग uh, सैम्पल्स नहीं होंगे ये प्रिपेर्ड सैम्पल्स होंगे जो हम क्वानिटेटिवली ख़ुद बनाएंगे और तीसरी बात जो अगली स्लाइड पे होगी कि ऐसे ऑफ ड्रग इम्प्योरिटीज़ यानी वो अनवांटेड कंपाउंड्स जो आपकी ड्रग में से टूट के डीकम्पोज होकर निकले हैं इन्हें रिलेटेड कंपाउंड्स भी कहते हैं उसी जैसे स्ट्रक्चर्स तो होंगे लेकिन हम मालूम करना चाहेंगे कि एम्प्योरिटीज़ को हम स्पेसिफिकली फाइंड आउट कर सकते हैं एक्टिव इन्ग्रीडेंट की मौजूदगी में या नहीं एसे ऑफ़ ड्रग सब्सटेंस सबसे पहली बात एप्लीकेशन ऑफ एनिटिकल प्रोसीजर टू एन एनाल ऑफ़ नॉन प्योरिटी कम्पेरिजन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ प्रोपोज एनालिटिकल प्रोसीजर विद दो सेकेंड वेल कैरेक्टराइज प्रोसीजर यानी अपने एक मैथड को वेरीफाई करने के लिए हम कोई और रेप्लीकेट मैथड भी जैसे हमने माजी में भी डिस्कस किया कि आप एक टाइटिशन मैथड इस्तेमाल कर रहे हैं तो साथ कोई कॉम्प्लेक्सोमीट्रिक मैथड हो सकता है जो कम्पेरिजन के लिए इस्तेमाल हो रहा है एक ही एनालट की या कोई इंस्ट्रूमेंटल मेथड उसको कंपनसेट कर सकता है तो हम अपने मेथड की वेरिफिकेशन किसी एक स्टैंडर्ड मेथड के थ्रू करना चाहेंगे ऐसे ऑफ ड्रग प्रोडक्ट एप्लीकेशन ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर टू सिंथेटिक मिक्सचर्स ऑफ ड्रग प्रोडक्ट ड्रग प्रोडक्ट कंपोनेंट्स टू विच नोन क्वांटिटीज ऑफ ड्रग सबस्ट टू बी एनाल एडेड जैसे हमने तस्करा किया कि यहाँ हम इनएक्टिव एक्सीपियस को भी ऐड करके अपने प्रोडक्ट का रेप्लिका बनाएंगे और फिर उसमें से एनोलाइट की कंसेंट्रेशन मालूम करने की कोशिश करेंगे एक्यूरेसी mm -hmm. में तीसरी चीज़ इम्प्योरिटीज की एनालिसिस तो एक्यूरेसी शुड बी असैसड ऑन सैंपल्स ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस एंड ड्रग प्रोडक्ट्स स्पाइक्ड विद नोन अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज इट शुड बी क्लियर हाउ द इंडिविजुअल और टोटल इंप्योरिटीज आर टू बी डिटर्मिंड वेट वेट और एरिया परसेंट इन ऑल केसेस विद रिस्पेक्ट टू मेजर एनालट यानि हम मेजर एनोलाइट की मौजूदगी में आमतौर पर एम्प्योरिटीज़ अगर मैथड ठीक काम ना कर रहा हो तो डेवियशन भी शो कर सकती हैं इसलिए हम वेट वेट या एरिया परसेंट निकालते हैं कि एम्प्योरिटीज़ कितनी ऐड की थी और रिप्लाई में हमें क्या जवाब मिल रहा है एक में भी इनफर्ड वंस प्रसियन लिनारिटी एंड स्पेसिफिसिटी है यानी पिछले तीनों टेस्ट कर लेने के बाद उनको वेरीफाई करने के बाद फिर हम एक्यूरेसी की इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं रिकमेंडेड डाटा या रिपोर्टिंग ऑफ रिज़ल्ट के लिए कितना डाटा हमें चाहिए होता है तो कम अज़ कम तीन मुख्तलिफ कंसंट्रेशन और उनके तीन रेप्लिका हम परफॉर्म करते हैं यानी टोटल नाइन एनालिसिस की ज़रूरत हमें ज़रूर रहती है जिनकी आरएसडी आर एस डी या जिनकी स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करने के बाद इस आर एस डी या ही को रिपोर्ट किया जाता है और ये एक्चुअल से जितना नज़दीक होगा स्टैंडर्ड डेविएशन उतनी कम आएगी कितना रेंज होना चाहिए फार्माकोपिया में इसकी वैल्यूज़ हमें स्टैंडर्डाइज फॉर्म में मिल जाती हैं